आज करेंगे Vivo T2 Pro का फुल रिव्यू, जानेंगे क्या क्या इसमें फीचर है और क्या क्या फीचर इसमें मिसिंग है जो कि आपको इस फोन को लेने से पहले कंसीडर करने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके बॉक्स में आपको फोन के साथ साथ बैक कवर मिल जाता है और यहाँ पे 66 वॉट का चार्जिंग अडाप्टर देखने को मिलता है और टाइप सी केबल देखने को मिलती है। फोन के बैक की बात करें तो यहाँ पे एजी ग्लास का बैक आता है और अगर आपके पास गोल्डन वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ग्लिटरी इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फोन की बात करें तो ये प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है और इसकी जो थिकनेस है वो 7.36 mm की थिकनेस है और इसका जो वेट है वो 175 ग्राम का है। तो फोन के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा जो कि ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। उसके साइड में आपको माइक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा। तो इस फोन में आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं है इस फोन में। राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगी और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आपको एक और माइक मिलेगा जो कि सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन का काम करता है। तो ये फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये फोन सिर्फ वाटर स्प्लैश प्रूफ है, पानी के जो थोड़े सा छींटे पड़ जाएंगे उससे ये फोन बच सकता है बस। तो बात करें इसकी स्क्रीन की तो ये 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोल्ड कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों, जो कि 10 बिट सपोर्ट करता है और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, तो आउटडोर में इसकी विजिबिलिटी काफी हाई हो जाती है। ओवरऑल फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे सेंटर पंच होल वाला मिल जाता है, बेजल से यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले वाला मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पे आप 2160p का 60fps तक का HDR वीडियो YouTube में प्ले कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पे MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm बेस्ड प्रोसेसर है और जिसका अंतत स्कोर यहाँ पे आपको 7 लाख से भी ऊपर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छा देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे LPDDR4X वाली रैम मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा 8GB एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है और रोम यहाँ पे आपको UFS 2.2 वाली देखने को मिलती है। गेमिंग में BGMI को आप यहाँ पे HD ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हैं और यहाँ पे आपको 60fps तक का फ्रेम रेट देखने को मिलता है BGMI में। तो हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको हीटिंग बहुत ही कम देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े वेपर लिक्विड कूलिंग चैम्बर के साथ आता है जो कि इसमें इंस्टॉल्ड है और जब भी आप गेमिंग करते हैं तो वो इसे कूल डाउन करके रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, वीवो का फंटच OS है, 2 साल तक का मेजर OS अपडेट मिल जाएगा इसमें आपको और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे इसमें आपको। इसमें बैटरी आपको 4600 mAh की मिल जाएगी जो कि यहाँ पे 66 वॉट का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करती है और फोन यहाँ पे आपका 50 से 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको दोनों सिम में 5G का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको 10 बैंड्स का 5G सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई 6 देखने को मिलता है इसमें। कैमरा यहाँ पे बैक में आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है जो कि आपका डेप्थ सेंसर है, आपका बुके के लिए काम में आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर या फिर मैक्रो सेंसर नहीं मिलता और यहाँ पे आपको ऑरा फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। और बात करें वीडियो की तो वीडियो यहाँ पे आप 4K 30fps तक का मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक से। फ्रंट में आपको कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा जिससे आप 1080p 30fps तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 8GB 128GB जिसका प्राइस है 23,900 rupees। यहाँ पे दो कलर में ये फोन आता है, एक ड्यून गोल्ड और दूसरा यहाँ पे न्यू मून ब्लैक। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया था कि इस फोन के मैं आपको कुछ मिसिंग फीचर बताऊंगा जो कि इसी प्राइस रेंज में दूसरे फोन में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर नहीं मिलता और दूसरा यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है, ड्यूल स्पीकर नहीं मिलता और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको NFC की कनेक्टिविटी नहीं मिलती और चौथा पॉइंट यहाँ पे आपको IP63 की रेटिंग नहीं मिलती, यानी कि ये फोन आपका वाटरप्रूफ नहीं है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता। तो अब आप बताइए दोस्तों इन मिसिंग फीचर के साथ आप इस फोन को खरीदोगे? तो आपका जो भी डिसीजन है आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।